हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सोने से पहले उत्तराखंड जीके का डोज। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। ये पार्ट 3 है। आपको ये वीडियो रेगुलर रात 9 बजे ये वीडियो आपको मिल जाती है, जिसमें आपको उत्तराखंड जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले कल जो हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ उत्तराखंड जीके वाला, उसमें एक क्वेश्चन था कि बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है। तो उसमें हमने आंसर टिक किया था टिहरी गढ़वाल। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत जवाब दिया मुझे, मतलब एकदम काफ़ी गलत बात के साथ उन्होंने मुझे जो है वो कमेंट किया कि आप मतलब काफ़ी गलत तरीके से। देखिए, बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है, ठीक है, इसमें आपको कहीं भी रुद्रप्रयाग दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा ना, तो टिहरी गढ़वाल है। रुद्रप्रयाग में भी है, केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है, इस पश्चिम साइड में। तो ये टिहरी गढ़वाल है और इस साइड में रुद्रप्रयाग है। तो ये बासुकी ताल जो है अधिकतर जो है टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। ये डाउट वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको टिहरी गढ़वाल ही टिक करना पड़ेगा। बाकी जो आयोग का आंसर होगा वो आपको मानना पड़ेगा। बाकी आप ल्यूसेंट देख सकते हैं और आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको आंसर टिहरी गढ़वाल ही मिलेगा, ठीक है। दोनों आपको आंसर मिलेंगे, केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम साइड में मिलेगा आंसर और टिहरी गढ़वाल करके भी मिलेगा, तो दोनों आंसर मिलेंगे। तो आप जो आयोग इसको मानेगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये कल की वीडियो का थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था। अगर किसी वीडियो में कोई आंसर गलत भी हो जाता है गाइस, तो देखिए, गलत कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर गलती से हमसे या हो गया है, मिस्टेक हो गई है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर लेंगे, ठीक है। आप बता दीजिए कि सर इसका आंसर ये है, उसको अगली वीडियो में सही कर लेंगे। लेकिन गलत कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है, तो आप याद रखेंगे टिहरी गढ़वाल में इसका अधिकतर भाग आता है, और सबसे कम भाग जो आता है वो किस में आता है, रुद्रप्रयाग में। किस में आता है, रुद्रप्रयाग में। तो बासुकी ताल जो है ये दोनों जनपद में स्थित है, याद रखेंगे आप। चलिए, अब आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत वे नेपाल के बीच महाकाली जल संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 12 फरवरी 1996 में। कब हुई थी, 12 फरवरी 1996 में, भारत वे नेपाल के बीच। कौन सी संधि, महाकाली जल विकास जल संधि। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में युंद किस ऋतु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाय शीत ऋतु को। किसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में, युंद, शीत ऋतु को। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टर्सरी मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, टर्सरी मृदा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, ठीक है, ज्वालामुखी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो गाइज, ये पाई जाती है भीमताल क्षेत्र में। कहाँ पे पाई जाती है, राज्य में भीमताल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो देखिए, उत्तराखंड की जो मिट्टी है इसमें चूना वे फास्फोरस दोनों की ही कमी है, ठीक है, चूना वे फास्फोरस दोनों की ही कमी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पौध रोपण नीति कब लागू हुई थी? तो देखिए, उत्तराखंड में जो पौध रोपण नीति लागू हुई थी, ये हुई थी 6 जून 2006 में, ठीक है। कब हुई थी पौध रोपण नीति लागू, 6 जून 2006 में। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना कहाँ की गई? तो गाइज, ये की गई थी चूनाखान में। आप हमें अब कमेंट के माध्यम से बताइए चूनाखान राज्य के किस जनपद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था
कालागढ़ में। गाइस देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, जैसे हमने कल पूछा था लाखों गुफा वाला, तो अधिकतर स्टूडेंट ने जो है उसका आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में लिखा है, और जिन्होंने भी उसको कमेंट भी किया ना, वो उसका आंसर कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन का आंसर भी एक बार कमेंट कर देते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में जो है एकदम छा जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया? तो गाइस, राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 2003 में, ठीक है। फुल डेट की बात करें तो 10 मई 2003 में, कब किया गया था? 10 मई 2003 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है 71.05%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो गाइज, ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था गाइज 2011 में। कब बनाया गया था? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य, ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा, ये राज्यसभा है गाइस, थोड़ा टाइपिंग गलती हो गई, राज्यसभा पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी UK SSC द्वारा रिपीट भी किया जाता है। तो 1874 में, ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1874 से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्वाचित नगर पंचायत हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में निर्वाचित नगर पंचायत की बात कर रहा है, तो निर्वाचित नगर पंचायतें हैं 43। अगर कुल की बात करता है तो देखिए टोटल है 46, अगर निर्वाचित की बात करता है तो 43 हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण किस विधेयक के अनुसार दिया गया था? कल ये सवाल हमने आपसे पूछा भी था, तो ये किस विधेयक के अनुसार दिया गया था? तो पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार, ठीक है। अब वन पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण है वो 50% है, पहले कितना था ये? 33%, ठीक है, 33% था पहले, और पंचायती राज विधेयक 2008 के बाद ये 50% कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं? तो देखिए, उत्तराखंड के आदि इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं पौराणिक ग्रंथ, ठीक है, कौन से हैं? पौराणिक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, बाणासुर की राजधानी थी, ठीक है, तो बाणासुर की राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर। क्या थी? ज्योतिषपुर। अगला क्वेश्चन है, हीरामढ़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो देखिए, हीरामढ़ी ग्लेशियर जो स्थित है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ गढ़ में। आज का अंतिम क्वेश्चन है गाइज, कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, समोच्च खेती को, ठीक है, समोच्च खेती को जो है कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो गाइज, ये थे उत्तराखंड GK के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आपके सोशल साइट हैं उन पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में घंटे का निशान आएगा, आप उसको ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।